अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी टू फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपकी बहन फिर हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी आपको मिस रोज की मैटी फाउंडेशन का, इसकी प्राइस के हवाले से, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये बिल्डेबल है कि नहीं, फुल कवरेज है कि नहीं, हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। आपको डेमो करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये किस तरीके से आप इसको बहुत अच्छा बिल्डेबल और बहुत अच्छी कवरेज इसके साथ दे सकते। ट्रेड गाइड के हवाले से भी आपको गाइड कर दूंगी, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मौजूद है, तो वीडियो लाजमी आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मिसरोज की ये फाउंडेशन में 70% ऑफ में मैंने खरीदी और आप यकीन करेंगे ये मुझे बहुत 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 रीजनेबल प्राइस में मिली थी। इस फाउंडेशन के हवाले से मैं बात करूं तो जो मेरा शेड है वो है बेज 2। मेरी जो स्किन टोन है वो मीडियम है और ये बेज 2 शेड मुझ पर परफेक्टली फिट होता है। मुझे किसी किस्म की कोई मिक्सिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये फाउंडेशन मिस रोज का प्रोफेशनल मेकअप फाउंडेशन है। ये बहुत छोटी सी ट्यूब है, आप 37 ml की ये ट्यूब है। मेटी वेयर लिक्विड फाउंडेशन है, बेस्ट है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए। गर्मियों में ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन है, इतनी जबरदस्त स्टे करती है। बट इसका असूल क्या है लगाने का कि आपकी बहुत अच्छी सी स्किन केयर की हुई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप कहेंगे तो मैं इस हवाले से भी बना दूंगी कि आप फाउंडेशन से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करें। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करें और आप यकीन माने इसके 2 to 3 ड्रॉप्स ही इनफ होते हैं फुल फेस के लिए। और अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल डॉट जितना लिया और इसने मेरा पूरा आधा हाथ कवर कर लिया है और बिल्कुल स्किन लाइक टेक्सचर देता है, बिल्कुल मैट फिनिश देता है। जितना भी जो भी ऑयली स्किन पीपल है ना, उनके लिए तो ये हेवन है ये फाउंडेशन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें और जो प्राइमर है वो आप थोड़ा मॉइस्चराइजिंग प्राइमर इस्तेमाल करें और फिर इस बेस को आप यूज कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा और बहुत अच्छा सा जबरदस्त सा फिनिश देगा। ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता, ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैम करके इस्तेमाल करेंगे, फिनिश देगा जैसे आपने अपने फेस पे कुछ लगाया ही नहीं है। और अगर आप स्ट्रिपलिंग ब्रश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी सी ये लाइट कवरेज देगा। डेंस ब्रश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छी सी कवरेज देगा। ये बिल्डेबल कवरेज है, आपने एक बार लगाया, थोड़ी देर इसको रहने दिया स्किन में, जब वो सिंक हो गया आपने इस फाउंडेशन की दूसरी लेयर लगाई, आपने फिर उसको ब्लेंड किया और ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज ये देता है। 100% रिकमेंडेड है प्राइस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से। सिंपल सी प्लास्टिक की ट्यूब है, छोटी सी, कोई इतनी हाई एंड पैकेजिंग नहीं है। इसका कॉम्पैक्ट नहीं लगाते ना तो ये थोड़ा ट्रांसफर होता है। जैसे ही आपने इसको किसी कॉम्पैक्ट के साथ सेट किया या किसी भी ट्रांसक्यूलेंट पाउडर के साथ आपने इसको सेट किया तो ये जबरदस्त किस्म का ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है और बिल्कुल सेट हो जाता है ये फाउंडेशन और बिल्कुल भी केकी नहीं लगता। मैं इसके साथ ग्लो का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आई बटन लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक लगा दूंगी, तो मस्त जाके उधर चेकआउट करें। शेड गाइड के हवाले से आपको गाइड कर देती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन, आपकी अंडरटोन जो है वो पिंक है, तो आप इसके अंदर फेयर शेड ले सकते हैं। सेकेंड शेड है हमारा आइवरी। फेयर टू न्यूट्रल स्किन होती है जिनकी, वो लोग आइवरी शेड यूज कर सकते हैं। फेयर टू मीडियम स्किन वालों के लिए जो शेड है जिनकी येलो अंडरटोन है, उनके लिए है बेज 1। अगर मीडियम कॉम्प्लेक्शन है और आपकी येलो अंडरटोन है तो आप बेज 2 यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो पाकिस्तान में यूज होने वाले जो शेड है ना मिस रोज मैटी फाउंडेशन के, वो बेज 2 और आइवरी 6 है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा शेड रेंज भी आइडिया हो गया होगा, और अगर आपको आइडिया नहीं आया हुआ है और आप अभी भी कंफ्यूज है कि मेरा कौन सा शेड है, आप मुझे कमेंट में बता सकते, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको शेड गाइड कर दूं। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी सारी क्यूरीज का जवाब दूंगी। इंशाल्लाह मिलूंगी फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। जब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।